तो गाइस आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि हम इस पतंग के जरिए क्या रील्स बना रहे हैं, लेकिन गाइस मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पतंग के साथ में लाइट को कैसे बांधा जाता है और उसे किस प्रकार से उड़ाया जाता है। और गाइस हम लोगों ने पतंग का पहले टेस्ट कर लिया है कि ये पतंग किस प्रकार से उड़ रही है, और आपने देखा भी होगा कि ये पतंग बिल्कुल स्मूथ बिल्कुल सीधे तरीके से उड़ रही है। और ये सब टेस्ट हमने कर लिए हैं, फिर बाद में ये पतंग बिल्कुल रेडी है लाइट के साथ में बांधने के लिए। तो गाइस आप सभी के पास पतंग में लाइट लगाने के लिए ऑफिशियल लाइट तो होनी चाहिए, और साथ में इसके एक छोटी बैटरी होनी चाहिए जिसका भार पतंग उठा सके, और साथ में पतंग तो होनी ही चाहिए, और एक चीज और है, और साथ में टेप भी होनी चाहिए। और इन सभी को यूज में लेकर हम लाइट वाली पतंग बना सकते हैं बहुत ही आराम से। तो इस लाइट को पतंग के धागे के साथ जोड़ता हूँ, और मैंने यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन अपनी लाइट के साथ में कर दिया है, और आप इसे अच्छे से देख भी सकते हो। और जैसे ही मैं इसके साथ में दूसरा तार लगाता हूँ तो लाइट जल जाती है, अब दिख रहा होगा आपको इस प्रकार से लाइट जल रही है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर हमने पतंग के अंदर ही लाइट को सेट कर दिया है, क्योंकि मुझे लगा भी था कि पतंग ऐसे नहीं उड़ पाएगी, लेकिन अब तो उड़ेगी। तो इसको हम उड़ाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर मैं इस लाइट वाली पतंग को उड़ा रहा हूँ इस चरखी के साथ में, और इस पतंग को उड़ाने में मजा आ रहा है, आपको कैमरे में दिख रहा होगा। तो गाइस इस वाली वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। गाइस हमारे तो यहाँ पतंग ही गायब हो चुकी है, जैसे कि आपको दिख रहा भी होगा, यहाँ पर सिर्फ मेरे हाथ में धागा है और ऊपर पतंग है, लेकिन दिख रही नहीं है बिल्कुल ही।